70 गज का फ्लैट, बड़े बड़े कमरे, 2 बड़े बेडरूम, 1 बड़ा ड्राइंग रूम, बड़ी सी किचन और 2 बाथरूम के साथ में आज AK Homes जो फ्लैट आपके लिए लेके आया है वो आपकी रिक्वायरमेंट में बिल्कुल फिट बैठता है। 70 गज का फ्लैट विद लिफ्ट, विद कार पार्किंग, मेट्रो स्टेशन द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से मात्र 500 से 600 मीटर के डिस्टेंस पे आपके लिए जो हम लोग लेके आए हैं फ्लैट, उसे देखने के बाद आपकी ख्वाहिशें, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। तो एक बार वॉक थ्रू करते हैं और जानते हैं क्या खास है इसमें। मैं आपका दोस्त रोज अनिल कालरा AK Homes यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये खड़े हैं अपने बिल्डिंग के इंटीरियर में। 3 फ्लैट है एक यूनिट पे, आप देख सकते हैं, एक फ्रंट साइड, एक आपका साइड में और एक आपका बैक साइड में आपका फ्लैट दिया गया है। ये हम खड़े हैं अपने कॉमन पैसेज में। स्टेयरकेस दी गई है, डबल मॉल्डिंग में स्टेयरकेस दी गई है, ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग अभी लगनी बाकी है। तो चलते हैं हम अपने फ्लैट की तरफ और देखते हैं क्या खास है। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं उससे अपना लिफ्ट। ये है लिफ्ट का स्पेस, फ्रंट साइड में आपका टाइल यूज़ की गई है, लिफ्ट का काम चल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 दिन में आपका लिफ्ट का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने फ्लोर की तरफ। ये है फ्लोर का मेन डोर, मेन एक्सेस, आप देख सकते हैं प्रोफाइल का काम किया गया है और साथ में आपका माइका का भी काम किया गया है फ्रंट साइड में, और बैक साइड में आपका माइका और लॉक्स वगैरह का यूज़ किया गया। आप देख सकते हैं हैवी क्वालिटी में आपका लॉक यूज़ किया गया है, बैक साइड में भी माइका दी गई है। सबसे पहले हम लोग खड़े हैं अपने ड्राइंग रूम में। पहले मैं आपको इसका लेआउट समझा देता हूँ। इसमें 3 तरह के आपके फ्लैट मिलेंगे, फ्रंट साइड, बैक साइड और साइड में, जो आपका लेंथ में भी है सीधा और 2 रूम्स फ्रंट पर भी हैं। इसमें मिलते हैं आपके ड्राइंग रूम और बेडरूम्स आपके बिल्कुल वेंटिलेटेड। ये खड़े हम अपने ड्राइंग रूम में। लेआउट रहेगा आपका, एक ड्राइंग रूम गले की तरफ, एक बेडरूम वेंटिलेटेड गले की तरफ, एक आपका बैक साइड में दूसरा बेडरूम, साथ में है किचन, एक कॉमन वॉशरूम और एक अटैच वॉशरूम। तो 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 किचन और 2 वॉशरूम के साथ में विद लिफ्ट, विद कार पार्किंग, 70 गज का ये फ्लैट अब आपके सामने है। ड्राइंग रूम का जो साइज है अप्रॉक्सीमेटली आप देखें 11x14 का ये साइज है। 11x14 में आपका ये ड्राइंग रूम लगता है, जिसमें से आपका ये 8 सीटर to 9 सीटर आपका सोफा आ जाता है, सेंटर टेबल आ जाता है, 2 पफीज आ जाते हैं। पफीज अभी इंस्टॉल नहीं किए हैं, अगर आप पफीज लगाना चाहें या एक छोटा सा डाइनिंग लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। साथ में मिलता है एक ह्यूज टीवी पैनल, अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75 इंचज से भी प्लस आप इसमें आप LED टीवी अपना लगा सकते हैं, बहुत ही बड़े साइज में। रूफ लेवल तक इसका टीवी पैनल गया है आपका वाइट एंड वुडन की शेप में, और साथ में प्रोफाइल दिया गया है। बहुत ही ह्यूज टीवी पैनल है, बहुत ही खूबसूरत टीवी पैनल दिया गया है। ड्रॉस दिए गए हैं सामान रखने के लिए और ऊपर स्पेस दिया गया है काफ़ी अपना सेट टॉप बॉक्स और रिमोट्स वगैरह रखने के लिए। वॉलपेपर का इसमें यूज़ किया गया है साइड वॉल्स पर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी इसकी खूबसूरती को निखार देता है। साथ में इस ड्राइंग रूम में आपका सेटिंग्स करके दिखाई है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। सोफा सेटिंग्स करके दिखाई गई है, एल शेप में सोफा दिया गया है, सेंटर टेबल दिया गया है। इस ड्राइंग रूम की वेंटिलेशंस है, आप देख सकते हैं गली पर पूरी वेंटिलेशंस आपकी है इसमें गली पे, और आपका विंडो एसी की इसमें प्रोविजन दिया गया है। साथ में इस ड्राइंग रूम की खूबसूरती को निखारने के लिए, इसके लिए आप देख सकते हैं ग्लास वर्क का बहुत अच्छा यूज़ किया गया है, रोज गोल्ड शेड में अब इसका ग्लास वर्क का यूज़ किया गया है, और साथ में इसके बैक में इसका टाइल्स और ग्लास का यूज़ किया गया है ड्राइंग रूम की बैक में। तो बहुत ही खूबसूरत इस ड्राइंग रूम को बना देता है। फॉल सीलिंग दी गई है, लेटेस्ट स्टैंड में फॉल सीलिंग दी गई है, फैंस इंक्लूडेड है और लाइट्स इंक्लूडेड है, सब कुछ है इसमें। और फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ, 4x2 की ब्यूटीफाइड हाई ग्लोसी टाइल्स दी गई हैं विद आपका अपॉक्सी फिनिश के साथ में, बहुत अच्छी इसकी लुक को एनहांस कर देता है इसकी फ्लोरिंग का, वॉल्स का और आपका फॉल सीलिंग्स का। तो अगर मैं देखूँ, अगर मैं ड्राइंग रूम का, तो बहुत ही लेटेस्ट स्टैंड के साथ में बहुत ही अच्छा खूबसूरत इसका ड्राइंग रूम दिया गया है। ड्राइंग रूम में ही आपका बैल्कनी का एक्सेस दिया गया है, आप देख सकते हैं बैल्कनी का एक्सेस है, अप्रॉक्सीमेटली स्पेशियस इसकी बैल्कनी रहेगी। और बैल्कनी से पहले हम लोग चलते हैं अपने मॉड्यूलर किचन की तरफ। ये आपका कॉमन मॉड्यूलर किचन,
जो वेंटिलेटेड है आपका बैल्कनी की तरफ, आपका कोई भी इसमें आपका सफोकेशन नहीं रहेगा, सब वेंटिलेटेड है। उसके साथ में आपको चिमनी का भी प्रोविजन दिया गया, हिंडवेयर की आपकी किचन है, कंपनी की आपकी चिमनी दी गई है, 1 से 2 साल की इसमें वारंटी दी गई है। ये आपका स्लैब दिया गया एल शेप में, सिंक दी गई है ऊपर, पूरे जितने भी आपके दिए गए हैं स्पेस हमारा उसमें सारा ग्लास यूज किया है, प्रोफाइल्स प्लस ग्लास का यूज किया गया है, और सारे में जितना भी नीचे है हमारा माइक का यूज किया गया है। तो इसका कॉम्बिनेशन अगर मैं बात करूँ, टाइल्स दी गई है व्हाइट और आपका ग्रे में, साथ में नीचे ग्रे का शेड दिया गया है और ऊपर रोज गोल्ड में आपके ग्लास दिए गए हैं। तो बहुत अच्छी किचन और बहुत ही खूबसूरत किचन दी गई है। ये आपका फ्रिज का स्पेस, तो फ्रिज का स्पेस भी सेपरेट दिया गया है, स्पेस आपका किचन में बहुत अच्छा है, ये स्टोव का दिया गया है, स्पेसिंग बहुत अच्छी है, थीम बहुत अच्छी दी गई है। और अगर मैं बात करूं, पूरी फॉल सीलिंग दी गई है, लाइट दी गई है, तो जो अभी हमारी माताएं बहनें हैं वो उन सब के लिए, जो लेडीज हैं उन सब के लिए स्पेस बहुत अच्छा है, किचन में काफ़ी सारा वक्त बीतता है, स्पेस बहुत अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत किचन बना दी गई है। साथ में अब हम चलते हैं अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ। ये हमारा कॉमन वॉशरूम, अगर आप फ्रिज का लगाना चाहें फ्रिज यहाँ पर भी लगा सकते हैं, बहुत ही स्पेस बचता है यहाँ पर। और अप्रॉक्सीमेटली ये अगर मैं बात करूँ 7x7 का ये किचन आता है, रूफ लेवल तक टाइल दी गई है, सिंगल पीस में आपका सीट दी गई है, सीट स्टैप्स वॉश बेसिन सभी कुछ इंक्लूडेड है इसमें, गीजर की फिटिंग दी गई है, बाद एसेसरीज इंक्लूडेड है इसमें, हाफ पेडेस्टल में आपका वॉश बेसिन दिया गया है, टैप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसकी टैप दी गई है, और रूफ लेवल तक टाइल्स वाइट फिनिश के साथ में। तो सेम अब ये हमारा फर्स्ट बेडरूम की अगर मैं देखूं, बहुत ही ह्यूज बेडरूम, बेड लगाकर दिए गए हैं। अगर आप विदाउट बेड लेना चाहें या विद बेड लेना चाहें वो इट्स अप टू यू, उसके कॉस्टिंग उसमें फर्क आ जाएगा। तो ये आपका ह्यूज एक बेडरूम दिया गया, बेडरूम का साइज है अप्रॉक्सीमेटली 13x12 के आसपास। बेड लगाने के बाद आप देख सकते हैं स्पेस बचता है लेफ्ट में भी राइट में भी, बैक साइड में आपका कस्टमाइज वॉलपेपर दिया गया है, बहुत ही खूबसूरती इसको एनहांस करता है, बेड के कस्टमाइज में उसको दे देता है। लेफ्ट में भी आपकी बहुत ही ह्यूज अलमीरा दे रखी है और राइट में भी बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में अंदर पूरा माइका दी गई है और फ्रंट साइड में भी पूरा माइका दी गई है, बेड का और आपका इसका कंट्रास्ट में दिया जा रहा है। सेम इसी के साथ में आपका ह्यूज टीवी पैनल दिया जा रहा है, मोर देन 75 इंचेस तक का इसमें बड़े से बड़ा टीवी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। रूफ लेवल तक इसमें टीवी पैनल दिया गया, ऊपर भी स्पेस रखने का है, नीचे भी स्पेस इसमें रखने के लिए है, तो टीवी रिमोट वगैरह सेटअप बॉक्स वगैरह इसमें है। साइड में आपका दिया गया है ड्रेसिंग के लिए ग्लास आपका दिया गया, पूरा ड्रेसिंग टेबल दिया गया, प्रोफाइल दिए गए हैं, ग्लास दिया गया है, कुछ भी आपको अपना काम करना है तो अपना ड्रेसिंग टेबल में यहाँ पर रख सकते हैं सामान यहाँ रखा और चीजें कर ली। साथ में एक अटैच वॉशरूम, इस मास्टर बेडरूम में एक टॉयलेट बाथरूम भी दिया गया, आप देख सकते हैं 6x5 के आसपास इसका साइज है। रूफ लेवल तक टाइल दी गई है, सीट स्टैप्स वॉश बेसिन सभी कुछ इंक्लूडेड है, बाथ एसेसरीज ग्लास मिरर सब कुछ इंक्लूडेड है, वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, गीजर के लिए आपकी फिटिंग दी गई है। तो सेम चीज़ आप देख सकते हैं, बहुत ही ह्यूज बेडरूम विद अटैच टॉयलेट बाथरूम, बहुत ही अच्छी बात है एसेसरीज के साथ में, और अंदर की खूबसूरती बहुत अच्छी, अलमीराज दे रखे हैं, टीवी पैनल दे रखा है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। जैसे कि मैंने बताया था बेडरूम है आपके बिल्कुल ड्राइंग रूम के साथ में जो वेंटिलेटेड है, गली की तरफ आता है, ये सेकंड बेडरूम है, ह्यूज बेडरूम इसमें भी मिल जाता है। आप देख सकते हैं पूरा इसमें जो बैक दी गई है बेड की पूरी ग्लास की तरफ दी गई है, डिज़ाइनर आपके उसमें पूरे निश बना के दी गई है, लाइट के साथ में कुछ भी आप अपना शोपीस वगैरह रख सकते हैं। बेडरूम का जो साइज रहेगा, सेकंड बेडरूम का जो साइज रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली 10x11 के आसपास इसका साइज है। बेड लगने के बाद आपका लेफ्ट राइट और फ्रंट में आपका स्पेस बच जाता है, बैक साइड में पूरा आपका ये कुशनिंग का काम किया गया है। रूफ लेवल में आपका रूफ में आप बात करूं तो फॉल सीलिंग दी गई है लेटेस्ट ट्रेंड के साथ में, प्रोफाइल्स के साथ में और लाइट के साथ में, फैंस इंक्लूडेड है, स्प्लिट एसी की फिटिंग दी गई है, आप इसमें विंडो एसी भी लगा सकते हैं और स्प्लिट एसी भी लगा सकते हैं, विंडो एसी के लिए प्रोविजन है और स्प्लिट एसी के लिए भी। ह्यूज टीवी पैनल इसमें भी दिया गया है, तो काफी सारी सभी में आप अगर मैं बात करूं ड्राइंग रूम में दोनों बेडरूम्स में तीनों में ही एक बड़े बड़े आपके टीवी पैनल दिए गए हैं, सभी रूम्स में आप अपना टीवी का एंजॉय कर सकते हैं, साथ में प्रोफाइल दिए गए हैं और स्पेस दिया गया है, बेड भी लगाकर दिया दिखाया गया आपको, अगर बेड लेना चाहें या बेड के बिना लेना चाहें इट्स अप टू यू। साइड में आपके साइड कॉर्नर्स आ गए और विंडो फॉर वेंटिलेशन आ गई, तो ये सेकंड बेडरूम आपका हो गया। सेम आपके टाइल्स आपकी नीचे भी होगी, तो 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 किचन आपने देखा और 2 टॉयलेट बाथरूम देखे, स्पेशियस विद लिफ्ट विद कार पार्किंग, मेट्रो स्टेशन से अप्रॉक्सीमेटली 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे ये लोकेटेड है, बिजली पानी सीवर गैस पाइपलाइन सभी कुछ यहाँ मिलता है, मेट्रो स्टेशन से मात्र 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे लोन मिलता है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, 85-90% इसमें लोन मिल सकता है, और अगर अमेनिटीज की बात करूं पास में 100 मीटर के आस में ही आपका ये मार्केट स्कूल्स हॉस्पिटल सभी आपको 100 से 200 मीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाते हैं, स्कूल्स हॉस्पिटल्स मार्केट डेली नीड्स की आइटम्स आपको सभी कुछ मिल जाता है, लोनेबल प्रॉपर्टी हो जाती है, 80-90% आपका इसमें लोन हो जाता है। सो फ्रेंड्स सभी कुछ हमारी इसमें चीज़ें मिल जाती हैं और स्पेशियस है, 70 गज का ये फ्लैट होने जा रहा है और मात्र
कीमत सिर्फ इसकी 33 लाख रुपीज़, 33 लाख रुपये में ये फ्लैट आपको मिलता है मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये साइट पसंद आती है तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव आपको ये साइट लेकर जाएंगे, दिखाएंगे। अगर आपको ये साइट पसंद आती है तो आपकी साइट बुक की जा सकती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो, अगर ये साइट की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।